अभिनंदन। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरओ भाग 2 के अंतर्गत जो पाठ है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पाठ 18, ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। ये आलेख है जिसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। थोड़ा जीवन परिचय पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को जीवन परिचय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अति लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक होने के साथ साथ दलितों के मसीहा, दलित और बौद्ध आंदोलन के प्रणेता, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के समर्थक रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ। आपका परिवार ब्रिटिश मिलिट्री से सदैव जुड़ा रहा। आपके पिता का नाम रामजी सतपाल और माता का नाम भीमाबाई था। आप अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। प्यार से सब लोग आपको भीमा नाम से पुकारा जाता था। माँ की मृत्यु होने के बाद चाची ने पालन पोषण किया। पिता के शिक्षा दक्षता होने पर भी आप केवल भीमा ही पढ़ाई कर सके। आपसे स्नेह करने वाले एक ब्राह्मण अध्यापक के कहने पर आप अपने नाम से सतपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ दिया। कक्षा में न बैठने तथा ऊपर से ही पानी पीने जैसी स्थिति में भी अपने आप 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। और आप पहले दलित थे जिन्होंने बॉम्बे के प्रतिष्ठित लिफ्टन स्कूल से बीए किया। इसी समय 9 वर्षीय रामाबाई से आपका विवाह हुआ। बड़ौदा राज से छात्रवृत्ति मिलने पर न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की शिक्षा पूरी की और 4 साल लंदन में वकालत की पढ़ाई की। 1924 में भारत लौटने पर जाति प्रथा के विरोध में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और कहा कि छुआछूत गुलामी से बदतर है। और 1935 में पत्नी का देहांत हो गया। 1940 में आप बीमार रहने लगे, इलाज के लिए बंबई गए। वहां एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से मुलाकात हुई। 15 अप्रैल 1948 को उनसे शादी। भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने और 1956 में 5,00,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। और 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई। ये था उनका जीवन परिचय। अम्बेडकर लोकप्रिय विधिवेत्ता, समाज सुधारक, राजनेता होने के साथ साथ एक महान साहित्यकार भी थे। विविध लेख, भाषण, पुस्तकों के लेखन द्वारा हिंदी अंग्रेजी साहित्य की सेवा की। संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के माध्यम से पढ़ा तथा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में निबंधों भाषणों के रूप में लिखा। स्वतंत्र भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन में बनाकर लिखित रूप दिया। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू वर्तमान में अम्बेडकर नगर में हुआ। उनके बचपन का नाम सुखपाल था। वे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ। प्रमुख रचनाएं मूक नायक, बहिष्कृत भारत, द हिंदू, वीमैन, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, द कस्टम इन इन आइडिया, द अनटचेबल्स, इस प्रकार की उनकी जो रचनाएं थी। भाषा शैली, डॉक्टर अम्बेडकर ने मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लेखन किया। उनकी लेखन शैली चिंतन परक वर्णात्मक है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से दलित और शोषित वर्ग की आवाज उठाने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक दास्ता के व्यापक तथा गहन रूप में प्रति लोगों को सतर्क किया। उनका संपूर्ण साहित्य मानव मुक्ति तथा जन कल्याण के लिए था। पाठ का सारांश समझते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा, इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर अनेक पहलुओं से विचार किया। साथ ही समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज के लिए अनिवार्य बताए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लेखक ने बताया
कमी नहीं है। वे मानते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। इसी श्रम विभाजन का दूसरा नाम जाति प्रथा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन को भी जन्म देती। श्रम विभाजन कर्म का स्वाभाविक वर्गीकरण है, परंतु श्रमिक विभाजन उस चीज का भेद उत्पन्न करने वाला अस्वाभाविक वर्गीकरण है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो समक्ष समाज व्यक्ति को उसकी रुचि व क्षमता के अनुसार पेशा देता, परंतु जाति प्रथा में पेशा जन्म से ही निर्धारित हो जाता है, जिससे वह छोड़ नहीं सकता, जीवन भर के लिए उसी पेशे से बंधा रहता है। भले ही वह पेशा अनुपयुक्त अपर्याप्त हो और व्यक्ति को भूखा मरने की नौबत भले ही आ जाए, नया पेशा चुनने की स्वतंत्रता न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। अरुचि विवशतावश कार्य करना है जिसमें अकुशलता तथा निष्क्रियता आ जाती है। संक्षेप में जाति प्रथा ऊंच नीच की भावना अकुशलता बेरोजगारी को जन्म देकर व्यक्ति को भूखा मरने के लिए बाध्य करती। जाति प्रथा आर्थिक सामाजिक व व्यक्तिगत रूप से हानिकारक होती है। सबसे पहला है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही मध्य सभ्य श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत जो गद्यांश मैंने आपको बता रही हूँ हमारी पाठ्य पुस्तक के आरोह के श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक से अवतरित है, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण के रूप में लिखा था। ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के नाम से हिंदी रूपांतर किया। प्रसंग जातिवाद के पोषक करने के आधार पर जातियों के विभाजन में कोई बुराई नहीं पाते, यहाँ श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन जाति प्रथा जातिवाद जैसे शब्दों को स्पष्ट करते हुए उनके गुण दोषों को बताया गया। व्याख्या समझिए, कर्म के आधार पर जातियों का बनना जातिवाद है। सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए जातिवाद को अनिवार्य मानता है। जाति प्रथा भी कर्म के आधार पर बनी है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए सभ्य समाज के लिए जरूरी होता है, लेकिन श्रम विभाजन श्रमिकों का वर्गों में बंटवारा नहीं करती। श्रम विभाजन में अलग अलग पेशों का वर्गीकरण होता है जो स्वाभाविक होता है तथा व्यक्ति को कार्य कुशलता प्रदान करता। श्रमिक विभाजन श्रमिकों के वर्ग बनाता है। ये वर्ग ऊंच नीच की भावना पैदा करते हैं, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है, अर्थात श्रमिकों में ऊंच नीच की भावना पैदा करती है। जाति प्रथा में वंश परंपरा के कारण जन्म से ही जातियां और कर्म तय कर दिए जाते जो अस्वाभाविक है। पेशों का वर्गीकरण स्वाभाविक है, परंतु श्रमिकों के वर्ग बनाना अस्वाभाविक। जाति प्रथा में जन्म के आधार पर धंधे निर्धारित कर दिए जाते तथा उनमें ऊंच नीच की भी निर्धारित कर दे जाती है भावना। यह भारतीय जाति प्रथा की सबसे बड़ी बुराई है। यह बुराई विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाई जाती। विशेष भारतीय जाति प्रथा के दोष बताए गए हैं। साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है। जाति प्रथा श्रमिक विभाजन ऊंच नीच जैसे सामासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है और दीर्घ वाक्यों से भाव घोषित हो गए हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो वह स्वाभाविक विभाजन ही, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित कुशल व्यक्ति या समक्ष श्रमिक समाज के निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता सीमा या विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण तथा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। संदर्भ जैसे कि मैंने बताया पूर्वत है। प्रसंग प्रस्तुत जो गद्यांश है उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया है कि जाति प्रथा व्यक्ति को कुशल व सक्षम बनाने में बाधा बन जाती है, क्योंकि जन्म से ही व्यक्ति का जो पेशा है वह निर्धारित हो जाता है। जिस जाति में वह जन्म लेता है उसको पेशा भी उसी जाति का अपनाना होता है। व्याख्या, लेखक ने बताया है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इस आधार पर जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक मान लिया जाए तो वह श्रम का विभाजन स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। कारण, जाति प्रथा में व्यक्ति जिस वर्ग या जाति में जन्म लेता है उसी का पेशा उसे अपनाना पड़ता है, या कहीं जन्म
जन्म से ही उसकी जाति या पेशा निश्चित हो जाता है। व्यक्ति की रुचि या योग्यता का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन सत्य यह है कि एक कुशल व्यक्ति और योग्य श्रमिक समाज का वर्ग बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इतना योग्य बनाया जाए कि वह अपना पेशा रोजगार स्वयं चुने और समक्ष मतलब सक्षम एक समाज का निर्माण करे। जाति प्रथा का बहुत बड़ा दोष या कमी है कि व्यक्ति के प्रशिक्षण और उसमें विद्यमान क्षमता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, उसके स्थान पर जन्म को ही महत्व देती है। उसे अपने माता पिता का ही पेशा आंख बंद करके अपनाना ही पड़ता है, जिस कारण वह एक कुशल और सक्षम व्यक्ति नहीं बन पाता। जाति प्रथा में व्यक्ति की क्षमता का कोई महत्व नहीं होता, जबकि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। जाति प्रथा में व्यक्ति को अपना जन्मजात पेशा अपनाना अनिवार्य होता है और उसका सामाजिक स्तर भी माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह उस स्तर का हो या ना हो। जाति प्रथा का यह सबसे बड़ा दोष है। विशेष जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक मानकर उसका मूल दोष स्पष्ट किया गया है। जाति प्रथा का दोष पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे बांध देती है, भले ही पेशा अनुपलब्ध अपर्याप्त होने के कारण भूखे मर जाए। आधुनिक युग में स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। संदर्भ देखिए, यहाँ पर पूर्वत है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने जाति प्रथा के दोष बतलाए, जिनके कारण व्यक्ति को भूखे मरना पड़ता था, बेरोजगारी सहनी पड़ती है। व्याख्या, भारत की जाति प्रथा में अनेक बुराइयां पाई जाती। प्रथम तो व्यक्ति जिस वर्ग या जाति में जन्म लेता उसकी जाति का पेशा उसे अपनाना पड़ता, अपनाने के साथ उसे जीवन भर वही काम करना पड़ता। अनेक पेशा उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता, उसकी रुचि के अनुसार नहीं होता, जिस कारण व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता हो या कार्य कुशलता नहीं आ पाती और उसे भूखों मरना पड़ता। उसके जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। आधुनिक युग में उद्योग धंधों का रूप बदलता रहता, विज्ञान के विकास के कारण उद्योग धंधों की तकनीकी में प्रतिदिन परिवर्तन मतलब सुधार होता है, नई नई तकनीक प्रयोग में आती, व्यक्ति को अपना पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता। परंतु जाति प्रथा उसे पेशा बदलने से रोकती, अर्थात व्यक्ति को पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती, जिस कारण वह बेरोजगार हो जाता, उसे भूखों मरना पड़ता। कभी कभी उस पैसे की मांग घट जाती तो व्यक्ति बेरोजगार हो जाता। व्यक्ति को वर्तमान पेशा चुनने और पैतृक पेशा छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं होती, भले ही वह पैसे में अकुशल या अन्य पेशों में पारंगत हो। इस प्रकार जाति प्रथा जो है व्यक्ति के विकास में रुकावट डालती है। जाति प्रथा में रोजगार न चुनने का अधिकार न होना बहुत बड़ा दोष है। विशेष जाति प्रथा के तीन दोष बताए, जन्म से पेशे का निर्धारण, उसी पेशे को जीवन भर अपनाना, पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होना, भाषा सरल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, चारा न रहना, भूखों मरना जैसे मुहावरों का प्रयोग हुआ है, सरल व व्यवहारिक शैली का प्रयोग हुआ है। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार करते, परंतु मनुष्य के मतलब सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो, क्योंकि इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, जो उसका अर्थ दासता से जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार या कार्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता। यह स्थिति कानूनी पराधीन न होने पर भी पाई जा सकती है। तो इस प्रकार से संदर्भ पूर्वत है प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया, जाति प्रथा के समर्थक सब प्रकार के स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं, परंतु व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता का विरोध करते हैं, यही समाज में दासता का रूप है। व्याख्या, अम्बेडकर जी ने स्वयं के आदर्श के समाज के लिए स्वतंत्रता को मुख्य जो है कि माना है। वे कहते जाति प्रथा के समर्थक जीवित रहने, शारीरिक सुरक्षा के अधिकार की स्वतंत्रता मानने के लिए कोई विरोध नहीं करता, अर्थात अधिकार देने को स्वीकार कर लेते, इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार को भी स्वीकार कर लेते, यानी प्रदान करने के लिए सहमत रहते, दूसरी ओर मनुष्य के समक्ष मतलब मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता इच्छा के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं देते। व्यक्ति को जीवोपार्जन के आवश्यक औजार और सामग्री रखने की स्वतंत्रता देते, परंतु जीविकोपार्जन यानी धंधा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देते। वे चाहते हैं कि माता पिता के धंधे को ही अपनाएं, जिसका अर्थ है कि व्यवसाय चुनने
व्यवसाय चुनने का अधिकार न देना, दूसरों पर दास्ता थोपना, दूसरे शब्दों में जाति प्रथा के आधार पर निर्धारित कर्मों को करने के लिए मजबूर होना। दास्ता केवल दास्ता कानूनी नहीं होती, समाज में रहकर भी व्यक्ति दास्ता भोगता है, जिसका अर्थ है कुछ व्यक्ति निम्न वर्गों को दूसरे लोगों के द्वारा बनाए गए व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। जिन लोगों को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, उन्हें दास्ता की सीमा में माना जाए। दास्ता यह दास्ता कानूनी न होकर जाति प्रथा के द्वारा थोपी गई दास्ता। विशेष यहाँ लेखक का दृष्टिकोण मानवतावादी, इस कारण जाति प्रथा को दास्ता की सीढ़ी मानता है, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता को आदर्श समाज के लिए अनिवार्य मानता है। भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, कड़ी बोली है, संस्कृत शब्दों के प्रयोग से भावों में बोधगम्यता है। न्याय का अब यहाँ देखिए यह है, न्याय का तकाजा यह है कि हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य के अपने वश की बात है, धारण मनुष्यों के साथ अपमान व्यवहार असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। यहाँ प्रथम दो आधार जो मनुष्य के अपने बस की बातें नहीं है, पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज में यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, तो यह संभव कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान एवं समान व्यवहार, समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। संदर्भ पूर्वक है, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया कि जो क्षमता व्यक्ति के वश में ना होकर ईश्वर के वश में, उसको ध्यान में रखते हुए समाज में उन सभी व्यक्तियों के साथ समता का व्यवहार करें, सच्चा न्याय यही है। व्याख्या, लेखक ने बताया कि मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर होती है, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। लेखक ने यहाँ ये कहा है कि अपने प्रयत्न जो उनके वश में होते हैं, उन प्रयत्नों में असमानता होने पर हम उनके साथ असमान व्यवहार करते तथा उस असमान व्यवहार को ही उचित मानते हैं, और उसकी तुलना में प्रथम दो आधार शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार जो आदमी के अपने बस में नहीं होते, उन व्यक्तियों के साथ किए गए असमान व्यवहार को बिल्कुल अनुचित मानते हैं। तो न्याय की मांग यह है कि जिन व्यक्तियों के बस में वंश परंपरा या सामाजिक उत्तराधिकार है, उनके साथ जहां तक हो सके समाज को समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह समान व्यवहार के हकदार स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सामाजिक व्यक्तियों समाज जो व्यक्तियों से बनता है, और समाज का कर्तव्य होता है कि व्यक्ति के साथ यथासंभव उचित व्यवहार करके उसकी क्षमताओं का विकास करें, और समाज स्वयं भी अपने सदस्यों से लाभ प्राप्त करें। अर्थात समाज शुरू से ही सदस्यों को सदैव समान व्यवहार करने का अवसर दे, तथा स्वयं समाज भी उनके साथ समता का व्यवहार करे। इसी पर समाज और व्यक्ति की उन्नति निर्भर। जैसे एक दलित को दलित वंश में जन्म लेना या ना लेना वंश की बात नहीं है, अतः समाज को उसके साथ भी समता का व्यवहार करना चाहिए। विशेष समाज में हर वर्ग के व्यक्ति के साथ यथासंभव समता का व्यवहार करना ही उचित है। भाषा सरल प्रभावी होने पर भाव भी भावों की गहनता, विचारात्मक शैली अपनाई गई है, वाक्यों की दीर्घता और तत्सम शब्दों के प्रयोग में क्लिष्टता आ गई है। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर इस जो गद्यांश हैं उनके अनुवादों को पढ़ाया, समझाया। परीक्षा के लिए आप उनको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।